दादो, माहम के बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मजबूरी है इसीलिए अलग रहते हैं। ऐसे अंदाजे मत लगाया करो। दादो, मैंने अंदाजा नहीं लगाया, ये तो मुझे माहम ने खुद बताया कि उसके बाबा और मम्मा में नाराजगी हो गई थी, तो उसके बाबा अब हैदराबाद में रहते हैं अपनी मम्मा के साथ। बेगम साहिबा को ये पसंद नहीं है कि हम उनकी जाती जिंदगी के बारे में बात करें। दादो, मैंने कब बात की है? ये सब तो माहम ने मुझे खुद बताया, वो तो मुझसे हर चीज शेयर करती है। बेगम साहिबा को पता चलेगा ना, बहुत नाराज होंगी। दादो, वो उन बातों पर तो नाराज होती नहीं है जिन पर उन्हें होना चाहिए। अच्छा, और किन बातों पर उन्हें नाराज होना चाहिए? अपने बेटे की हरकतों पर। दादो, उसकी जो भी गलती होती है उस पर वो डांटती नहीं है उसे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो उसको समझाती हैं। ये अलग बात है कि वो बच्चा है जरा ज्यादा शरारती। दादो, वो शरारती नहीं है, बदतमीज है वो, बदतमीज। चपस दुआ, अगर वो कुछ थोड़ी बहुत बदतमीजी करते तो हमें बर्दाश्त करनी है। उनके बहुत एहसानात हैं हम पर। कौन से एहसानात दादो? उनके जो हम पर एहसानात हैं उनकी कीमत मैं और आप अदा तो कर रहे हैं, और आप पूरा दिन तो उनकी हिम्मतें करती रहती हैं। देखो दुआ, अब मैं डांटूंगी, इस तरह की बातें मत किया करो। दादो, माँ हम बहुत अच्छी है, आंटी वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नी मगरूर हैं, और जावी वो तो है ही बदतमीज। ये भी खूब है दुआ, जिससे दोस्ती हो गई वो अच्छा हो गया, और जिससे दोस्ती ना हुई वो मगरूर है, वो बदतमीज है। दादो, माँ हम अपने बाबा की बहुत तारीफें करती है। देखो बेटा, तुम इसके बारे में बात मत किया करो उससे। और अगर वो खुद बात करे तो तुम कोई और बात कर लिया करो। जी, चलो किताबें बंद करो और अब सो जाओ। जी दादो, बस थोड़ा सा याद करना रह गया।